ये मेरा भाई सूप तो स्वाद है वैसे मस्त। ओके है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? डिलीशियस। ओके, और आप भी बता दो अपना कैसा लग रहा है? सो वेरी नाइस। तो भाई दोनों भाई एंजॉय करते हुए झूले पे, आहा सुपर डुपर एंजॉय नजारे, और सामने चेकआउट करो देखो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर रिश, आपका अपना रिशप्रीत सिंह। तो आज का क्या सीन है, घर से भाई साहब चलते सुबह सुबह तैयार होके पहुंच गया हूं मैं म्यूर विहार। म्यूर विहार क्या करने आया हूं, सेम जगह सेम गाड़ी सेम दोस्त लेकिन डेस्टिनेशन अलग। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक न्यू ट्रिप। तो भाई मुझ तो बाद आ गए हैं भाई हमारे शम्मी भाई, क्या हाल है जी? ये आ गया अपना विक्रम। तो भाई चलो बस अब अपना सामान सामून यहाँ रखते हैं और निकलते हैं आगे ट्रिप की तरफ। ये तो भाई डीजल डलवाते हुए, एक बार डीजल फुल हो जाए फिर नहीं हमने कहीं रुकना, फिर तो सीधम गिचम गिची। और अभी आपको बताते हैं हम जाग आ रहे हैं। शमी भाई एकदम फुल करा लो ऊपर। चल भाई आ गया 2417, तो 2417 का डीजल आ गया, अब चल रहे हैं निकल रहे हैं भाई। चलो लेट्स गो। अब चम्मी भाई को अपने चाबी दे दी, भाई चलाएंगे, अब हम बैठेंगे साइड पे। चलो ट्रिप शुरू होने से पहले गाड़ी लगा दी है वहाँ पर, हम आ गए यहाँ पर, अंदर जाके नाश्ता करेंगे हल्दीराम पे। पहले हल्दीराम पे नाश्ता करके फिर ही निकलेंगे भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, टाइम हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। देख लो खाली बड़ा पूरा मॉल। चलो भाई चलो भाई, हर बार हम आलू परांठा तो हाईवे पे खाते हैं, आज हल्दीराम का आलू परांठा खा के देखते हैं। वड़ा पाव हमारा आ रहा है और साथ में चाय, और ये हमारी सुबह सुबह की बेहतरीन चाय आते हुए। सॉरी हमने ये खा लिया, वड़ा पाव बहुत स्वाद था, भाई ने भी थोड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है अपने लिए मैंने भी रखा हुआ है, चाय के साथ इंजॉय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो भाई निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। तो यहाँ पर देखो हमें एक गाड़ी मिली है, शायद टेस्टिंग चल रही है क्योंकि सारे ब्रांड हटा दिए इन्होंने, अपना ब्रांड नेम कुछ भी नहीं शो हो रहा इधर से भी और आगे से भी, तो मेरे ख्याल से तो टेस्टिंग चल रही है ये। गैस करके बताओ कौन सी गाड़ी है, मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा कौन सी है, आप लोग ही बताओ कौन सी गाड़ी है ये। तो भाई निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर शम्मी भाई, तो फिर निकलते हुए कुछ मीठा हो जाए फिर। प्रसाद है ना? प्रसाद नहीं, अभी जो हमने पहले हल्दीराम से लिया वो ले लेते हैं ना पहले। तो ओपनिंग करनी है? हाँ ओपनिंग सेरेमनी करो जरा। लो जी मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने लगे हैं मेरे वीरो लो जी लो। चलो जी क्या है, क्या गोल्डन रैपिंग के अंदर? ओ वाओ हमने सोने के बिस्किट खरीदे हैं। ओ वाओ स्मगलिंग। यहाँ से खोल साइड, इस तरीके से उस साइड से, उस साइड से तेरा। सॉरी सर। चलो जी भाई सोने के बिस्किट हमारे पास आने नहीं वाले। ये लीजिए सबसे पहले आप खाइए। हाँ हाँ शमी भाई ये आपके लिए, प्लीज हैव इट ब्रदर। एक ये हमारे लिए। तो चलो इंजॉय करते हैं वादियों को, और अभी तक आपको नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमें भी अभी तक नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, हम बस निकल पड़े हैं, बस इतना पता है उत्तराखंड जा रहे हैं, अब ये नहीं पता जाग आ रहे हैं। तो आपको मिलते हैं आगे डिसाइड करके कि हम जाग आ रहे हैं फिर बताते हैं। लो जी भाइयों पहला टोल आ गया काशी टोल, पहला टोल क्रॉस करते हैं, लेकिन भाइयों अभी तक हमें अभी तक डिस्कशन हमने किया नहीं है कि हम जाग आ रहे हैं तो अभी गहरा डिस्कशन होता हुआ हमारे सब में कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक बार और टीपी के फिल करेंगे। एक बार सही बात है, एक कप चाय जो बड़ी फेमस है रस्ते में तो वो लेके वो पीते पीते फिर डिस्कशन करेंगे और फिर निकलेंगे। भाई तो अब हमने क्या डिसाइड किया, हम जाएंगे चीतल ग्रैंड पे खाने के लिए, ये यहाँ का बड़ा फेमस है भाई, पहले भी खा रखे हमने, आज दोबारा यहाँ पर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट कम लंच चीतल ग्रैंड। आ गई मिस्सी रोटी आ गई है,
मिक्स वेज और पनीर लबाबदार और बिरयानी अपनी आ रही है। चलो जी इंजॉय करते हैं अपना ब्रंच। भाई हरिद्वार रह गया 48 किलोमीटर यहाँ से और देहरादून 103, हमें तो आगे ही चलते जाना है बस, मंजिल बहुत दूर है अभी भाई, बहुत दूर मंजिल है। विक्की भाई जगह है भाई, सामने अगर दिख रहा है तो चंडी देवी का मंदिर है, अभी थोड़ा पेड़ से छुप गया। जबरदस्त भाई, इसी रोड से हमने यहाँ से लेफ्ट ले लिया ये चंडी घाट से, अब ये पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं राजा जी पार्क के बैक साइड से, बिल्कुल। तो आपको दिखाते हैं जंगल की ब्यूटी, हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बंदर नजर आए, अब आगे देखते हैं क्या और नजर आए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता है ये रास्ता और वही ट्राई करते हैं। भाई जहाँ मोड़ो वही नजारा चेंज, देखो जी जबरदस्त नेचर में हमने लिया है ये वाला रिसॉर्ट, आनंदवन जंगल रिसॉर्ट। तो बस हाँ जी सर, मैं ही खोल रहा हूँ, आइए। भाई साहब क्या रिसॉर्ट है, जबरदस्त। अपनी गाड़ी आती हुई और ये नीचे रिसॉर्ट है, स्विमिंग पूल भी है नीचे, फोन कर दिया हमने तो बस बुकिंग हो गई है हमारी, नीचे जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई चलो। भाई साहब मज़ेदार है यार, ठंडा ठंडा मौसम, ओए होए होए होए, वहाँ कार पार्क कर लेंगे सामने और यहाँ से नीचे चले जाएंगे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मैं देख के ही मज़ा आ गया अभी तो। बाकी लेट्स सी आगे क्या बनता है, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा गाड़ी को एकदम से यहाँ से टर्न करना। चलो भाई यहाँ से एक बार ऊपर ऊपर से आपको रिजॉर्ट का दिखाता हूँ व्यू, ये देखो चेक करो भाई, गाड़ी बस पार्क कर दी है भाई यहाँ पर। दिन दिन में थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ, सनसेट तो हो ही रहा, इतना मस्त लग रहा है यार, कोशिश करेंगे वहाँ नीचे चले जाएं, देखते हैं, अच्छा है व्यू है, तो चलो चलते हैं भाई। देखो ये रिसेप्शन है जी इसका, ये रिसेप्शन है, ये विवेक जी मिले हमें। ये एंट्रेंस है भाई, नीचे जा रहे हैं हम एक बार अपने रूम्स चेकआउट कर लें, ये मस्त एकदम बैठ के वो करो। पूल वैसे खाली है, पूल भरा तो नहीं हुआ अभी, वैसे भी ठंड बहुत हो रही है भाई। ये इनके रूम्स हैं, ये इसका रूम है, इसमें ये बेड है, ये हो गया अलमीरा होगी, ये इसका वॉशरूम। एक और देखते हैं दूसरा भी कौन सा दिखा रहे हैं रूम, फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन सा लेना है। वो मेरे ख्याल से लेक साइड है,
पाँच पाँच कमरे हैं प्रीमियम, और वो तो आपने देखा होगा क्या मिलेगा। इतना जरा शांत लग रहा है ना, देखो पानी आता हुआ, मस्त लग रहा। इसका व्यू ना दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऊपर से इसका रास्ता मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। यहाँ से देखो ज़बरदस्त नेचर पॉइंट बना रखा है इन्होंने, दिस इज कॉल्ड नेचर पॉइंट। नीचे से जाके आराम से, इधर नीचे से जाके आराम से बैठो, लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी बढ़िया। दिन में तो नहीं आता। तो भाई दोनों भाई एंजॉय करते हुए झूले पे, आहा सुपर डुपर एंजॉय नजारे। और सामने चेकआउट करो, देखो यो यार क्या जबरदस्त व्यू है और क्या जबरदस्त नेचर है, जबरदस्त। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आपको एक बार रूम दिखा दूँ अपना, ये अपना रूम है। अभी ऐसा है, आई नो कल तक पूरा गंदा हो जाएगा। एक जबरदस्त चीज मैंने देखी है, वो आपको भी दिखाता हूँ भाई। ये वॉशरूम बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखो वो इतना बड़ा स्पाइडर, भाई अगर हम यहाँ रह रहे हैं ना माउंटेन्स के अंदर तो ये आम ही है, आ ही जाते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से आ गया होगा। चलो लेट्स एंजॉय द व्यू एंड द नेचर, और आप भी साथ साथ एंजॉय करो। भाई बस नेचर के साथ अपनी चाय भी आ गई और साथ में आ गए चिप्स, ये हम साथ लेके आए थे, और बस चाय पियेंगे और मौज उड़ाएंगे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, जबरदस्त है ना। बड़ी वाली है बड़ी वाली है, ना चल भाई। भाई इधर ना पूल एरिया भी बना रखा है इन्होंने, गेम्स वेम्स के लिए स्पेसिफिक, पूल खेलो, टीटी क्रिकेट छोटा मतलब बैट रखा हुआ छोटा वो है, खेल सकते हैं। ओए ये बढ़िया भाई, बढ़िया मस्त इंजॉय करो यहाँ पर। चलो थोड़ी देर खेलते हैं फिर इंजॉय करते हैं हम भी, फिर मिलते हैं। अरे वाह क्या शॉट मारा यार, गजब गजब। इससे हम टीटी ठीक है, टीटी टीटी खेलना था, बॉल टूटी हुई है, बॉल है वैसे अभी हमने, आ रहे हैं भैया बॉल लेके फिर खेलते हैं। भाई आ गई हमारी न्यू बॉल आ गई है, अब खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना। चलो इन्जॉय करते हुए और राइडर ऑफ रेस मस्ती करते हुए, फुल राइडर ऑफ रेस फुल मस्ती करते हुए। चलो जी अपना सूप तैयार है,
लेट्स एंजॉय आवर सूप। लो ना आप, लो ना आप, लो प्लीज लो। अरे लो ना, ये मेरा भाई सूप तो स्वाद है वैसे मस्त। ओके आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? डिलीशियस। ओके और आप भी बता दो अपना कैसा लग रहा है? सो वेरी नाइस। तो भाई हम अब हमने ले ली चाप, सब कुछ ही ले लिया, थोड़ा थोड़ा आलू गोभी, दाल होगी, पापड़ हो गया, मिस्सी रोटी, हमने सिर्फ मिस्सी रोटी ली है, बाकी कुछ भी नहीं लिया हमने, नान वगैरह। तो टेस्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं खाना आज का। भाई आ गई अपनी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी सेवियाँ, लास्ट में तो ये बनती थी, तो दे गए भाई, लेते हैं अपनी अपनी। लो विक्रम भाई यार, भाई अब खाते हैं एक बार और बताते हैं इसका स्वाद कैसा है, फिर वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे और आपसे कल सुबह मुलाकात करेंगे और यहाँ की मस्त मस्त वादियाँ आपको दिखाएंगे सुबह। भाई खाना एक नंबर, मज़ा आ गया। सबसे ज़्यादा जो हम नंबर देंगे वो देंगे लच्छे परांठे को। लच्छे परांठे बड़े खाए हैं लेकिन ऐसा लच्छा परांठा नहीं खाया, सॉरी मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाया, थोड़ा सा पार्टी बचा था, जल्दी जल्दी में खा लिया मैंने, इतना ज़्यादा स्वाद था, मस्त मज़ा आ गया हमें। हमने चाँप चाँप, मेरे को चाँप भी पसंद आई और साथ में ना सबसे ज़्यादा स्वाद तो था दाल, दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, गर्मा गर्म मस्त ही मज़ा ही आ गया भाई। और साथ में ये व्यू, ओए होए होए होए, लास्ट में हमने ली स्प्राइट, स्प्राइट पी के तो एंड गलबात हो गई है। अब क्या सीन है, अब बचा मीठा, मीठे में इन्होंने दिया हमें सेम, जो कि बहुत ठंडी थी और कोई पीना नहीं चाहता था, अभी अभी खाना और किसी ने वो पी भी नहीं। अब क्या सीन है, बस अब हमने सेवियाँ रखवा दी हैं फ्रिज में, थोड़ा सा टहलेंगे फिर इंजॉय करेंगे मौसम, लास्ट में सोने से पहले अपना सेवियाँ खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। तो आपको अभी ये व्लॉग एंड नहीं कर रहा मैं, सेवियाँ खा, तो भाई खाना वाना खा के डिनर करके मस्त एकदम अपने रूम में आ गए हैं, फुल इंजॉय। ठंड इतनी पड़ रही है, मस्त एकदम मज़ा आ गया। ऊपर अभी आपको गाड़ी दिखाई थी, एकदम मस्त उसके ऊपर ओस वगैरह आ गई थी, तो अब बस अब नीचे आ गए रूम में, कोजी कोजी सा रूम है एकदम, आपको दिखा दिया था। ये देखो एकदम नीचे हमने एक एक्स्ट्रा बेड बिछा दिया, दो भाई हम ऊपर सोएंगे, एक नीचे सो जाएगा, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब देखते हैं कि हमें यहाँ रुकना है आगे या आगे निकलना है, तो देखते हैं। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और मिलते हैं ऐसे किसी बड़ी सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तो टेक केयर, बाय बाय।